कितनी भी सशक्त तैयारी कर लो, रीट के प्रति आपके मन में जब तक चाहत उत्पन्न नहीं होगी ना, आपको उद्दीपक की प्राप्ति नहीं होगी। आपके अंदर जब तक नौकरी की चाहत पैदा नहीं होगी ना, तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको पता है क्या, थर्ड ग्रेड की नौकरी में अभी कितने रुपए मिलते हैं? 21,310 रुपए। कितने? एक महीने बाद में बढ़ जाएगा। यदि आपकी नौकरी लगेगी तो आपको रुपए मिलेंगे 25,000 कुछ रुपए, एक महीने के, दो साल तक। दो साल बाद में आपकी डायरेक्ट कुल सैलरी होगी 47,000 रुपए। कितने? 47, दो साल बाद में। उसके बाद में 10 साल बाद में आप जाओगे तो आपकी सैलरी होगी लगभग 65,000 रुपए, और 10 साल बाद में आपका अपने आप ही प्रमोशन हो जाएगा सेकंड ग्रेड में। एक तारीख होते ही एटीएम के सामने जाओ और 65,000 रुपए निकालो। आपको बैंक वाले खुद घर पे आ जाएंगे कि भाई साहब आपको क्या चाहिए, गाड़ी, पैसा, बंगला, क्या चाहिए? आपको बैंक क्या दे देगी? बंगला दे देगी, फोर व्हीलर गाड़ी दे देगी। उसके अलावा आपके पास एटीएम रहेगा, सुबह 7 बजे जाओगे, 12 बजे वापस आ जाओगे, कालिया की मम्मी आराम से टिफिन पैक करके रखेगी आपके लिए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नौकरी लेनी चाहिए, तो देखो आपके अंदर क्या होनी चाहिए बताओ इस नौकरी की। और अब सुन लो, यदि आपकी नौकरी नहीं लगी ना, तो प्राइवेट जॉब में 5 या 6 हज़ार रुपये मिलेंगे। कितने? और बैंक वाले आपके घर तक नहीं आएंगे, बैंक वाले का फोन आएगा कि भाई साहब आपका खाता क्लोज कर दे या कुछ पैसे जमा करवा रहे हो। लिखो, इतना